चेले नहीं है क्या? वो कहावत सुनी है, चेला गुरु गुड़ हीरा, चेला चीनी हो गया, सुना? वो इसलिए कहा है, एक गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा अरे भाई चेले नहाना है, सर्दी हो रही है, थोड़ा पानी ले आ। ठीक है गुरुजी, अभी लाता हूँ। चेला बैठा है वहीं, वो गुरुजी, गुरुजी कहने लगे कोई सा भी लिया, ठीक है लाता हूँ। वो पानी ठंडा लाऊं या गरम? गुरुजी ने कहा ठंड हो रही है, गरम ही लिया। ठीक है गुरुजी, चेला वहीं बैठा है, बैठा बैठा बात कर रहा है। फिर चेला जब उठा नहीं, गुरुजी ने कहा क्या हुआ? गुरुजी मैं ये सोच रहा हूँ पानी बाल्टी में लाऊं या कलश में लाऊं। चेला वहीं बैठा है, चेले को जाना नहीं है, बातें मिलानी है। गुरुजी ने कहा जितनी देर से मैंने तुझसे कहा कि पानी ले आ, और जितनी देर से तू बकवास कर रहा है मैं इसमें लाऊं उसमें लाऊं कौन सा लाऊं कैसा लाऊं, इतनी देर में तो मैं नहा के भी आ जाता, तू बैठा रह। तो आजकल ये चेलों का हिसाब है। लेकिन गुरु भी गुरु ही होता है, ऐसी बात नहीं। बिल्ली ने सारे दांव शेर को सिखाए, सारे दांव, लेकिन एक दांव फिर भी नहीं सिखाया। ऐसे गुरु भी सारे दांव बेशक चेले को देते, लेकिन एक दांव गुरु भी रख ही लेता है। एक दफा की बात, गुरुजी पूजा करने के लिए बैठ गए, किसी के घर गए थे कि कोई सेठ था, उसके बगीचे में तुलसा जी खड़ी हुई थी। अब गुरुजी ने पूरा हवन कुंड अपना सजा लिया, सजाने के बाद चौकी पे बैठ गए, चौकी भी क्या पूरा तख्त था, आराम से बैठ गए। चेले से कहने लगा अरे सारी तैयारी हो गई? हाँ गुरुजी सारी तैयारी हो गई। अरे तुलसा जी नहीं है? क्या नहीं है? तुलसा जी नहीं है? हाँ गुरुजी तुलसा जी तो भूल गए, तो लेके आओ फटाफट। दो चेले थे, एक से कहा जा तू लेके आ। गुरुजी मैं तो तुलसा जी को जानता ही नहीं कैसी होती है। अब चेले ने एक ने तो टला दी, दूसरे से गुरुजी से पहले कुछ कहते तो दूसरा चेला पहले कहने लगा गुरुजी तुलसा जी वही तो होती है ना, केले के पत्ते की तरह बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। गुरुजी कहने लगा वाह, क्योंकि दोनों चेले आलसी थे, जाना चाह नहीं रहे थे, बगीचा थोड़ा दूर था, तुलसा जी वहां से आते। गुरुजी कहने लगा तू भी पक्का ही चेला है, पहले केले के पत्ते बताने लगा। गुरुजी एक काम करो, हमें तो पता नहीं, अब तुम ही ले आओ जाके। ठीक है भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, पूजा करनी है, एक काम करो अब मैं चौकी पे बैठ गया, मैं नीचे तो उतर नहीं सकता। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, तो फिर एक काम करो, एक इधर लगो और एक इधर लगो, इस तख्त को उठा के बगीचे में लेके चलो। अब कुछ तो तख्त भारी और कुछ गुरुजी भारी, अब तो थोड़ी सी दूर में तिंगड़ गए, उनके तो हाथ पांव कांपने लगे। और मन ही मन में दोनों सोचते हुए जा रहे हैं गुरुजी वाह इससे तो बढ़िया हम तुलसा जी के पत्ते ले आते तो अच्छा था। अब जब वहां पहुंच गए तुलसा जी के पेड़ के पास, गुरुजी ने कही देखो बेटे ये तुलसा जी का वृक्ष होता है, पौधा होता है, ऐसी तुलसा जी होती है, अब तुम भूलोगे तो नहीं? गुरुजी माथे पे हाथ रख के क्या कह रहे हैं, गुरुजी तुम भूलने की बात कर रहे हो, सात जन्म तक भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पसीने में खोल बोल हो गए, एक कुंटल के गुरुजी और एक कुंटल का ही तख्त, और जब दो कुंटल का वजन दो आदमी लाद के ले जा रहे हो तो उनकी हालत तो खराब हो ही जानी है। तो ऐसे आज इस जमाने में चेले हैं। देखिए कलियुग बेशक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस कलयुग में कोई दया धर्म रही ना हो, बहुत कुछ है। ये कमी है हमारे संस्कारों की, ये संस्कारों की कमी है, क्योंकि हम संस्कार आज बच्चों को क्या दे रहे हैं जानते हो? बच्चा पैदा हुआ दो चार छह महीने का हुआ और माँ को कुछ काम करना है तो माँ क्या कहेगी, बच्चा अगर रोएगा
मोबाइल चला दिया उसके पास, ले तू गाने सुन, बज रहे हैं डिस्को भांगड़ा न जाने क्या। अब तो अंग्रेजी में, जिनके माँ बाप ने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, जिन पे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती वो भी अंग्रेजी के गाने बजाते हैं, और कोई उनसे पूछे ये कह क्या रहा है, पता कुछ नहीं, बस कह क्या रहा है, सुन रहे हैं बस। और जब वे छोटे छोटे से बच्चे मोबाइल में लगे रहेंगे, साल का हुआ, दो साल का हुआ, फिर वो मोबाइल मांगते हैं, माँ बाप फिर भी दे देते हैं, चलो काम निपटा लेंगे भाई, लो चला लो थोड़ी देर, बोएंगे तिंगे उंगली मारते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप कहते हैं अब मोबाइल मत लो, तो आप बदलाओ आदत तुमने पहले खराब की, गलत तो नहीं कह रहा। आप लोगों ने ऐसा बहुत किस्से सुने होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल तो अब चले, अब से पहले बता रहा हूँ, जो माताएं बहने बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं, जो बुजुर्ग में हैं, तो पहले क्या रवैया था, जब बच्चे काम नहीं करने देते थे तो थोड़ी सी अफीम ली, अफीम, और जरा सी होठों से लगाती, बच्चा चाट कर अफीम के नशे में पड़ा रहता था। अब बच्चा मजे में अफीम के नशे में पड़ा है और माँ अपने मजे में काम निपटा दी। अब जब हमने पहले उसे नशे की लत डाल दी तो फिर बड़ा हो गया, अगर वो बोतलें पीने लगे तो कौन से अचरज की बात है। और जब बोतल पिएगा तो बोतल पीने का काम किसका है, राक्षसों का। तो राक्षस करते क्या है, वो तो ना माँ देखते, ना बाप देखते, ना भाई देखते, ना किसी को देखते, उन्हें तो गाली भी बकनी है, बुरा भला भी कहना है, और डंडे भी बजाने हैं, और बुरी चीज भी खानी है। कहने का मेरा भाव, ये संस्कारों की कमी है। और जब हम निरंतर, हमारे घर में गुरु का पहरा लगेगा, याद रखना, आपके घर में अगर गुरु का पहरा लगता है, आपके घर में गुरु के चरण डलते रहते हैं, संत आते जाते रहते हैं, तो संत आपके घर ना चाय पीने जाते, ना आपका खाना खाने जाते, संत जब जाते हैं तो आपके घर की मुसीबत लेने जाते हैं, आपके घर से मुसीबत लेकर। इसी मुसीबत पे एक बात बताऊं आप लोगों को, अपने गुरुजी की सत्य घटना। 28 दिसंबर सन 2008 मुझे आज भी याद है, हम जोया से मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में एक रस्तों की भगत था, उसकी घरवाली को कैंसर था। गुरुजी मुझसे कहने लगे कि महेश उसकी घरवाली को देख के चलना है, उसकी घरवाली को कैंसर है, कीमो चढ़ रही है और उसके बाल सब गायब हो गए। हमने कहा ठीक है गुरुजी, कहां उसकी मरने की हालत थी, जब हम गए उस पर बैठा भी नहीं जा रहा था, उसकी बहुत बुरी हालत थी, बचने की उसकी कोई चांस नहीं थी, 1% भी नहीं थी। और हम जब उसके घर पहुंचे और गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, वे शब्द मुझे आज भी याद है, कि तू घबरा मत, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गुरुजी ने कहा तू घबरा मत, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और उनके घर होने के बाद हम सीधे काशीपुर गए, और उसी दिन रात्रि में गुरुजी अंतिम बार लेटे, और सुबह को जब पता चला तो शरीर छूट गया था, जबकि गुरुजी स्वस्थ थे। और उसके महीने दो महीने बाद जब हमें सूचना मिली तो वो औरत बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी, उसके बाल भी आ गए थे, इतने बड़े बड़े हो गए थे, और उसकी वो बीमारी भी खत्म हो गई थी। ये सत्य घटना बता रहा हूं। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु तुम्हारे घर जब भी जाएंगे, तुम्हारे घर की मुसीबतों को लेकर आएंगे, तुम्हारे धन के लालच में नहीं जाते, और जो धन के लालच में जाते हैं वो कभी गुरु हो ही नहीं सकते, याद रखना इस बात को। जो तुमसे नोट मांगने के लिए जाएंगे वो कभी गुरु नहीं हो सकते, जो तुम्हारी दक्षिणा के लालच में जाएंगे वो कभी गुरु नहीं हो सकते, वो संत नहीं हो सकते। अरे संत तो परोपकारी हैं। आज तुम सतगुरु नगर में सुन रहे होंगे कि एक नदी के किनारे पे एक संत महात्मा जा रहे थे, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, संत जी बार बार उसे उठाते, अपने हाथ पर रख लेते उसे बाहर निकालने के लिए, बिच्छू डंक मारता, और जैसे ही वो डंक मारता बिच्छू हाथ से फिर छूट जाता, लेकिन संत जी ने पीछा नहीं छोड़ा,
वो बार बार उठाते रहे। उधर से कोई व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा महाराज क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो इसकी आदत है, तू काटता रहेगा, ये तो बिच्छू है, कोई आदमी थोड़ी है, तुम बचा रहे हो इसको, मरने दो। तो संत ने कहा इसकी आदत काटने की है, ये अपना काम कर रहा है, और संत की आदत बचाने की है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है। तो संतों को कितना भी कष्ट पड़ जाए, संत अपने भक्तों के जीवन से सारे दुखों को मिटा देते हैं। अगर आपके घर में संतों का पहरा लगता रहता है, और जब तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु का पहरा नहीं लगता, तो समझ लेना फिर आपको एक एक कष्ट भोगना पड़ता है, और वो चाहे छोटा हो या बड़ा, वो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए गुरु के चरणों की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं ना, गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, कहां मिलेगी धूल? अब गुरुजी सड़क पे जा रहे के सड़क पे से उठाओगे क्या? धूल क्या है वो? वो धूल यही तो है कि गुरु के चरण जब तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे घर के सारे दुख दरिद्र सारी परेशानियां खुद कट जाएंगी, क्योंकि गुरु जब जाते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश करके आते हैं। वो अंधकार को सब अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा आपके घर से निकाल के ले आते हैं। लेकिन एक ऐसे हम हैं कि हम कभी बुलाना नहीं चाहते, हम डरते हैं कि कहीं गुरुजी को बुलाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे, उन्हें दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा काशीपुर की दो चार संगत है, यहाँ मैं काशीपुर में भी कहता हूँ, कोई दक्षिणा देने के चक्कर में मत लगो, कोई मेरे लिए मेवे मिष्ठान बनाने के चक्कर में मत लगो। अरे तुम चटनी से दो रोटी भी खिला दोगे तो गुरु तो उसमें तृप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु स्वाद मनाने के लिए तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं बुलाता। काशीपुर के अंदर मैं 24 घंटे रहता हूँ, और 24 घंटे रहने के बाद भी ऐसे ऐसे घर हैं जिन घरों में मुझे तीन तीन चार सात साल हो गए पैर रखे हुए, ऐसे भी घर हैं जिन घरों में मैं 8-8 साल से नहीं गया, और वो कष्ट भुगतते रहते हैं, और हम बड़े आराम से देखते रहते हैं। कहने का मेरा भाव, जिस दिन हम गुरु को गुरु समझ लेंगे, समझ लेना आपके सारे दुख मिट गए। और जब तक गुरु को हम अपने जैसा समझते रहेंगे, ये तो हमारे जैसा हाड़ मास का है, ऐसी हम है, ऐसी ये है, ऐसी रोटी हम खाते हैं, ऐसी ये खाता है, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं, ऐसी ये पहनता है, तो आपका दुख भगवान भी आकर नहीं मिटा सकता। और यहाँ भी इस भजन में यही कहा है क्या, जिसकी दया से प्यारे जग में तू आया है, भूलना नहीं तो उसको जीत दी जिसने ये काया है, सुबह शाम उसका नाम सुमर ले तेरा काटेंगे संकट सारा। किसने दी ये काया? ये भगवान की दी हुई है। ऐसी एक सत्संग कर रहा था मैं,